ये चुनाव ये तय करेगा कि बिना जाति धर्म मजहब के भी, हिंदू मुसलमान के बगैर भी, अब बगैर पैसे के भी। और जब लोग बोलते हैं मोदी की लहर, तो महागठबंधन की लहर, तो उस लहर के बीच में एक साधारण आदमी कैसे जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय जीत सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन एक चीज़ बताइए ना, सीधा सीधा आप कहते हैं कि निर्दलीय लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस का आपको समर्थन है, तो अगर आप जीत भी जाएंगे तब तो कांग्रेस में ही आप मतलब मान लीजिए चले ही जाएंगे। देखिए, मैं एक बात को मान के चलिए कि पहले आप जीतने दीजिए, आशीर्वाद होने दीजिए, और जिस तरीके से राहुल जी और प्रियंका गांधी का, गांधी जी का मेरे प्रति विश्वास है और ब्लेसिंग है, तो निश्चित रूप से उस रिश्ते को कायम तो हम रखेंगे। अब तो लालू और तेजस्वी भी आने वाले हैं आपके खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे अपने बीमा भारती को जिताने के लिए। हमेशा आते रहे हैं, क्या करिए, अपने पार्टी के लिए तो आना ही चाहिए। और लालू जी आएंगे तो माहौल बदल जाता है। अच्छा काम किए होंगे तो, लालू जी तो मेरी माँ जब चुनाव लड़ रही थी तब भी लालू जी लोजपा को टिकट दिए, 20,000 वोट आए। हम लड़ रहे थे तो खालिद साहब को टिकट दिए CPM से, 28,000 वोट आए। और जब हम लड़ रहे थे जनता दल एक था, तब लालू जी के कैंडिडेट को 43,000 वोट आए। एक बार भी लालू जी के कैंडिडेट को जमा बचने से, जब भी लड़ते हैं और लालू जी अगर प्रचार प्रसार करते हैं अपने कैंडिडेट का, तो फिर खत्म मामला। हम ये नहीं बोलेंगे कि खत्म या सही, लेकिन नहीं पाते। लालू जी पहले भी कैंप किए थे और जिन जिन को गठबंधन धर्म में लड़ाए कभी भी सक्सेस नहीं किए। लालू जी पौने 7 लाख जहाँ जाधव है, 6.5 लाख पाटलिपुत्रा है, तो क्या कारण है कि लालू जी खुद हार गए रंजन यादव से और मिश्रा जी हार गई? तो जलवा बरकरार अब नहीं रहा क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा जलवा बरकरार है या नहीं, तरीके बदलना चाहिए लालू जी को। तरीका तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आज भी उसी तरीके से जीना, वैसे ही गठबंधन धर्म को कुछ नहीं बुझना, आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं, बिलीव नहीं। आशीर्वाद दिया था उसके बाद भी आपको धोखा दे दिया? नहीं, आप आशीर्वाद तो देता है हमेशा, लेकिन हमेशा मेरा सहयोग लालू जी को रहा है, आप उठा करके देख लीजिए। रहा है, लेकिन वो तो आपको आशीर्वाद दिए थे बंद कमरे में, लेकिन फिर हुआ क्या? भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि दिल के वो बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके साथ कोई आदमी, उनके साथ जो सिपर सरार हैं या जो लोग रहते हैं, वो बहुत उनकी वहाँ पर बहुत बोलने की या अधिकार से बात रखने की आज़ादी नहीं है। तेजस्वी की ओर इशारा है सीधा, आप समझ गया मैं? नहीं, हम लालू जी को, मैंने तेजस्वी जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन तेजस्वी जी को अपने कर्तव्यों का अपने कर्तव्यों के पथ पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमेशा जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं इससे विश्वास डगमगाएगा और राजनीति की सुचित्रता खत्म हो जाएगी। कैसी राजनीति तेजस्वी करते हैं जो लगता है आपको सुचिता उससे खत्म हो जाती है? भैया, वो तो वो तय करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतिहास है, आप बोलेंगे A to Z और आप टिकट दे देंगे महतो को, तो बट नेचुरल है, जिसके समाज को, जात को मारा, ख़त्म किया जिस जात को, उसमें आप टिकट दे रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मुसलमानों को इस बार सिर्फ 2 ही टिकट दिया है 23 में से। भैया, आज भी मुसलमान लोग ज़बरदस्ती के, जिसको मन आता है वोट देने के लिए देता है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मुझको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको मदरसा पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो बढ़े। मेरा मानना उसमें यह नहीं है, हम आपसे यह कह रहे हैं कि लालू यादव जी
आरक्षण तो ले ही रहे हैं। आप कहते हैं मैंने गिराया, मैं कहता हूँ मैंने गिराया, आरक्षण मैंने लाया। ये उपयुक्त मामला नहीं है, वो बात नहीं है। कोई बोले सर जी लाए तो हाँ, आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।